हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी करेले। तो मैंने 1 किलो पहाड़ी करेले लिए हैं और 5 प्याज लिए है। मैंने इनको धो लिए थे। चलिए अब हम इनको कट करते हैं। हमने इनको कट कर लिया है। हमने 2 टमाटर लिए थे, 3 हरी मिर्च ली थी, 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच मेथी कलौंजी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए अब हम करेले फ्राई करेंगे। 1 कप हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें करेले डालेंगे। इनको हमें 20 मिनट तक फ्राई करना है। तो हमारे करेले फ्राई हो गए। अब हम इसमें और ऑयल डालते हैं। 1 कप ऑयल और डाला है क्योंकि हमें प्याज फ्राई करनी है। तो अब हम जीरा डाल देंगे। ये हमने सौंफ और धनिया डाला है इसमें। अब प्याज हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिए के पत्ते, हल्दी पाउडर, नमक जितना आप रखना चाहते हो, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम करेले इसमें डाल देंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करके अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। हमारे करेले रेडी हैं। चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मेरा अभी न्यू चैनल है,